नगर निगम द्वारा धर्मशाला बाजार चौक का नामकरण श्री गुरु नानक देव चौक धर्मशाला बाजार किए जाने पर बुधवार को धर्मशाला चौराहे पर लोकार्पण एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया तथा इसके साथ ही फायर सर्विस में कार्यरत पुलिस कर्मियों को अच्छे कार्य करने पर सम्मानित भी किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल रहे, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि महानगर में भारत का प्रसिद्ध जटाशंकर स्थित गुरुद्वारा है, जो समाज सेवा के लिए हमेशा संघर्षशील रहता है। उन्होंने कहा कि सिख समाज के लोगों ने मांग की थी कि धर्मशाला बाजार चौक को गुरु नानक जी के नाम से नामकरण किया जाए और आज धर्मशाला चौक को गुरु नानक चौक नाम से नामकरण किया गया। बाकी और जो भी मांगे होंगी उसको समय अनुसार पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर फायर ब्रिगेड के जवानों ने मंगलवार को धर्मशाला बाजार में हुई आगजनी की घटना को अपनी जान पर खेल कर रोका तथा जनहानि एवं धन हानि से बचाया। आज उनको भी सम्मानित करके उनका हौसला बढ़ाया गया, जिससे कि वह आगे भी ज्यादा प्रेरित होकर ऐसी घटनाओं को कंट्रोल कर सके, जिससे जनहानि बचेगी और समाज का भला होगा। इस अवसर पर भाजपा नेता भानु प्रकाश मिश्र, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, धर्मशाला पार्षद बबलू गुप्ता, जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह, जगनैन सिंह नीटू आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, धाम आए हैं सजी कुटिया ये सवेरी की अवध से राम आए हैं। अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक सरदार जसपाल सिंह जी का हरी हूँ। इस वार्ड के पार्षद अपने प्रिय भाई छठीलाल गुप्ता जी, जहाँ से एक समाज अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा है। एक बार पिताजी गुवार से मैं घर गए, एक बार पूरे जसपाल भैया लोग, हम लोग सारे लोग गए, तब भी भानु भैया से मुलाकात नहीं हुई। दो बार और गए, नहीं मुलाकात हुई। ऐसे मेरे मित्र उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा जी का स्वागत करता हूँ, और फिर का स्वागत जिसका मैं कर्जदार हूँ। और पीछे विधानसभा चुनाव में माननीय मेयर जी ऋषि मोहन जी और कैफुल वोरा साहब, पता राजू रवीन्द्र प्रताप सिंह राजू भैया मेरे बड़े भाई हैं, उनका स्वागत करता हूँ मैं। सूरी जी, कल रात के धर्मशाला बाजार में रात के 12:30 बजे एक दुकान पे आग लगती है। संरक्षण में हम लोग दिन रात आग से लड़ते हैं। यादव राम प्रताप भारती जी, ये सब कुमार यादव, फायर फाइटर यादव जी हमेशा क्रिया स्वागत करेंगे। बोले सोनिया, आ जाओ आप लंबे वाला पीछे ही आ जाओ। अरविंद हरि गुप्ता जी, आइए सो दे आप चौथा सम्मान मेरे बड़े भाई श्री गोरखपुर में धर्मशाला बाजार का नाम हमारे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज के नाम पर गुरु नानक चौक किया जाने वाला है। इसके लिए मैं महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार देता हूँ। उनके अथक प्रयासों से नीटू जी के कहने पर उन्होंने किया कि हम लोग बहुत सालों से मांग कर रहे थे कि शहर में कहीं गुरु नानक देव जी मार्ग हो, कहीं गुरु नानक देव चौक हो, हमारे शहीदों के नाम पर भी कुछ चौक किए जाए। लेकिन बड़ी खुशी की बात है इस समय हमारे धर्मशाला बाजार का नाम गुरु नानक देव चौक कर दिया। मैं पूरे सिख समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गुरु नानक देव जी के नाम से पत्थर भी लगा है और नामकरण भी किया है। मुझे गौरव है, सिख समाज समाज का एक प्रतिष्ठित
समाज है और मैंने मौका मिलते ही इस काम को अपने सभी पार्षदों के सहयोग से कर दिया हूँ। इसमें सारे पार्षदों को और नगर निगम के सभी अधिकारियों लोगों को पूरा पूरा सहयोग है, किसी एक व्यक्ति का सहयोग नहीं है और आपके नाम पर कहीं भी कोई विरोध नहीं हुआ है। ये मुझे बहुत खुशी है और शांति व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में बनी है। मैं इस मंच से पुलिस विभाग के सारे अधिकारियों को और जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ कि चंद समय में यहाँ के आग को बुझाकर आप लोगों ने जनता का बहुत बहुत उपकार किया। मैं नीतू जी को विशेष करके आज जन्मदिन की भी बधाई देता हूँ। देखिए दो मांगे आई है, ये सड़क चौड़ीकरण में है, अभी इस पर मेट्रो लाइन जाएगी, इस पर मेट्रो लाइन की भी व्यवस्था है। अब उसका रोड मैप क्या बनता है उस आधार पर इस चौराहे का भविष्य निर्भर करता है कि कितना चौड़ा इसको किया जा सकता है और किस तरह से सौंदर्यीकरण किया जाता है। अभी करना उचित नहीं है और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जैसे ही काम इस पर फाइनल हो जाएगा बेहतर से बेहतर इस चौराहों को बनाने की मैं व्यवस्था करूँगा। अभी बनाना औचित्यपूर्ण नहीं है इसलिए कि किस तरह का क्या यहाँ पर सड़क का सरकार करने जा रही है, क्योंकि यही मेट्रो का जंक्शन तो ये सब चीज़ें हैं, रेलवे की जमीन भी ली जाएगी, इस तरह की बातें चल रही है। तो मैं आप लोगों को इस मंच से आश्वस्त करता हूँ कि इसको मैं करवा के रहूँगा, चाहे पद पर रहूँ या ना रहूँ। भैया उधर आइएगा। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। इधर देखिए, इधर थोड़ा सा पीछे, आपके का पूरा देखा होता। इस बात की खुशी है कि यहाँ पर भारत में एक प्रसिद्ध जटाशंकर गुरुद्वारा है जो समाज सेवा के लिए हमेशा संघर्षशील करता है और एक गुरुद्वारा मौदीपुर में हमारे समाज के, इस समाज के लोगों ने मांग की थी गुरु नानक देव जी के नाम से इस चौराहे का नामकरण करने का, बिल्कुल बात थी और इतने दिनों तक कहीं नहीं, क्यों नहीं हुआ ये मुझे अफसोस है। नीतू जी ने समाज के तरफ से मांग की थी और हमने इस चौराहे का नामकरण गुरु नानक देव जी के नाम से कर दिया है और भी इन लोगों की जो मांगे हैं उस समय अनुसार पूरा किया जाएगा। इस बात के लिए गोरखपुर वासियों का गर्व होना चाहिए कि पहला चौराहा है गुरु नानक देव जी का नाम से और मैं सिख समाज के सभी पदाधिकारियों को, यहाँ के नागरिकों को मैं आज के दिन बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सम्मानित भी किया गया। देखिए ये हमारे फायर ब्रिगेड के जवान और हमारे चौकी इंचार्ज धर्मशाला बाजार, इन लोगों ने कल एक महत्वपूर्ण घटना को रोका है, जन हानि से बचाया है, धन हानि से बचाया है। उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है, चौकी इंचार्ज को और फायर ब्रिगेड के सभी अधिकारियों को सम्मान करके उनका हौसला बढ़ाया है जिससे कि वो आगे भी ज़्यादा सक्रिय रहकर ऐसे घटनाओं को त्वरित कंट्रोल कर लेंगे जिससे जनहानि बचेगी और समाज का भला होगा।